हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी को दो टूक शब्दों में कहा कि वह पढ़ी हुई स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करें। मंत्री ने कहा कि किसी ने राहुल गांधी को कागज दिया होगा तभी वह बोले। आपको बता दें कि यह जवाब मंत्री ने राहुल गांधी के उस कटाक्ष पर दिया है जिसमें राहुल ने सीमा पर कील कांटे लगाने के बजाय पुल बनाने की बात कही थी। कंवरपाल ने कहा कि 26 तारीख को किसानों ने क्या किया ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। वहीं मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आखिर कांग्रेस और उनके राहुल गांधी कब तक लोगों को बरगलाते रहेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी यही बता दे कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी सरकार थी जब उन्होंने किसानों का भला किया। उन्होंने कहा कि उल्टा अपने समय में कांग्रेस ने किसानों पर केवल गोलियां ही चलवाई और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी किसानों से बात और संवाद के मसले को हल करने में लगी हुई है। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली वालों के हितों की कोई सुरक्षा नहीं कर रही, या तो राहुल गांधी ने बताया कि ये इतनी बड़ी भीड़ जो वहां बाहर बैठी है, अगर इसको हम सारी को कह देंगे दिल्ली में चले जाए तो राहुल गांधी ये अपना मंत्र बता दे मरते जो सा मंत्र उनके पास है कि जिससे सारे को कंट्रोल करेंगे ना, है जी। और अपना इतिहास उठा के देखो, अगर अपना इतिहास उठा के देखोगे तब पता चलेगा तुम्हारा इतिहास क्या था। जब तुम्हारे आंदोलन चले थे ना, तुमने एक बार एक आदमी को नहीं हजार हजार आदमियों को गोली मार रखी। ये पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसने आज तक इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार ने संयम रखा। तो हमें राहुल गांधी की पार्टी कितनी औकात नहीं है कि वो हमें उपदेश दें। हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि जनता हमारी जनता है। ठीक है, नाराज है किसी बात से, कुछ लोग हमारे नाराज हैं, हम समझाएंगे अपने लोगों को। मैं हुड्डा साहब से कहूंगा कि हुड्डा साहब अपने पूरे कार्यकाल का ना कागज लेके आ दे, और हम भी अपने कागज लेके बैठे और वो कंपेयर करें कि हमने किसान के लिए क्या क्या किया और उसने किसान के लिए क्या किया। तब उसको पता चलेगा कि हम किसान के लिए क्या कर रहे हैं। जिस बात की बात कर रहा है एमएसपी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात, तो हुड्डा साहब ये दिखाएंगे उन्होंने 14 में कितना अनाज खरीदा था, हमने कितना अनाज खरीदा, उन्होंने अपने टाइम में कितना रेट बढ़ाया, हमने कितना रेट बढ़ाया, हमने कितनी जिंसा खरीदी, उसने कितनी जिंसा खरीदी, एक ही चीज, उसने कितना मौजा दिया किसान को, हमने कितना मौजा दिया। मतलब किसी भी बात पे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी चीज पे जो किसान से संबंधित है, हम हर एक चीज पे, एक एक चीज पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। वो दिखाया था, उसने क्या किया था, हमने क्या किया, हमने जितना किसान के लिए किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार तो कहीं उसके आगे ठहरती नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.